से खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अमित शाह स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। भारत माता की जय श्री राम। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टिकरण को बल देती है। बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। मां दुर्गा का सम्मान करबे, मां लक्ष्मी का सम्मान करबे, मां सरस्वती का सम्मान करबे। अतो सोजा नय। सड़कों पर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ मोदी ही मोदी नजर आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अन्याय नहीं, असली परिवर्तन चाहिए, इसी नारे के साथ कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी की रैली है। इस रैली को ऐतिहासिक बताने और समझाने और दिखाने की कोशिशें बीजेपी के कैंप की तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि इतनी भीड़ जुटेगी इस रैली में कि हवा बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा बंगाल के चुनाव का। ये बताया जाएगा कि बंगाल अब बदल रहा है, बंगाल के लोगों का मूड बदल रहा है, और पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर कौन कौन होंगे इसको लेकर की बहुत उत्सुकता है कि कौन कौन से नेता, कौन कौन से चेहरे उस दिन मोदी के साथ मंच पर होंगे, पार्टी में शामिल होंगे। एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो रैली होगी ना, वो टर्निंग पॉइंट होगी। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में मोदी की ये पहली रैली है। इसके बाद उनकी कई रैलियां करने की योजना है, लेकिन ब्रिगेड मैदान की सभा के बहाने बंगाल में बीजेपी सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है। इसीलिए देश भर से पार्टी के बड़े बड़े नेता काम पर लगाए गए हैं, घर घर जाकर लोगों को बुलाया जा रहा है। कहते हैं कि ब्रिगेड मैदान को कोई भर नहीं पाया, बीजेपी इस बार चमत्कार की उम्मीद में है। ये बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी सभा होगी। जिस प्रकार जनता में उत्साह है और यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी हमारे पास कम पड़ गई हैं, जिलों से जो खबर आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये देश की भी सबसे बड़ी रैली होगी। और यह मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। लोग चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में यह सरकार बने और सोनार बंगला बने। क्या इस बार ऐसा हो जाएगा कि, चूंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहीं से यू टर्न लेगा बंगाल का चुनाव? देखिए, अब कोई न घोड़ा दूर न मैदान दूर, कल रैली है और कल की रैली में आप देखेंगे कि इतना जनसैलाब आया है, इतने उत्साह के साथ आया है, चेहरे भी आप सब पढ़ सकते हैं, भीड़ की संख्या भी देख सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी सुन सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का फैसला तो यहाँ की जनता ने कर लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारी परिवर्तन यात्राओं के समापन पर जो इस प्रकार की रैली होती, जैसे हमने यूपी में भी किया था, वैसा पश्चिम बंगाल में भी कर रहे हैं। लेकिन मैं उत्साह यूपी के चुनाव की दृष्टि से अगर विचार करता हूं तो पश्चिम बंगाल का उत्साह यूपी से अधिक है। रैली और उसमें आने वाली भीड़ से एक संदेश जाता है, चुनाव के माहौल का पता चलता है। रैलियों ने कई बार सरकारें बनाई और गिराई हैं, कई बार इनमें आने वाली भीड़ छलावा भी साबित हुई है। मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूं। बिहार में 2015 के चुनाव में मोदी की रैलियों में खड़े होने की जगह तक नहीं रहती थी, लेकिन जीत लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की हुई। आज हम बात कर रहे हैं 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की, बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर बांग्लादेश तक की, बीजेपी की इन 20 दिनों की चुनावी रणनीति की। और हावड़ा ब्रिज के सामने खड़े होकर मुझे लगता है कि यही 20 दिन तय कर देंगे कि आखिर बंगाल में इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। इन्हीं 20 दिनों का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होगा बीजेपी और ममता बनर्जी के लिए भी। ममता बनर्जी ने अपने सारे पत्ते तो खोल दिए हैं, लेकिन अब बारी बीजेपी की है और बीजेपी ने अपने 20 दिन को इस तरीके से तैयार किया है कि यहीं से रास्ता खुलेगा सत्ता परिवर्तन का, या फिर उसके लिए रास्ते बंद भी हो सकते हैं। आज़ादी से पहले बने हावड़ा ब्रिज ने पहले कांग्रेस की सरकार देखी, फिर लेफ्ट पार्टियों की, ममता बनर्जी के 10 सालों का राज भी देखा। जब 27 मार्च को बंगाल में पहले दौर का
मतदान हो रहा होगा, पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में होंगे। उनकी बांग्लादेश यात्रा का कनेक्शन भी बंगाल चुनाव से ही है। वैसे तो वे 26 तारीख को ही वहां पहुंच जाएंगे। बहाना ये कि उस दिन बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन मोदी के दौरे का असली मकसद तो बंगाल चुनाव जीतना है। इसीलिए उन्होंने मतुआ समाज के गुरु हरिचंद ठाकुर का आशीर्वाद लेने का मन बनाया है। मोदी उड़ाकांदी जाएंगे। हरिचंद ठाकुर ने ही मतुआ संप्रदाय की स्थापना की थी। नरेंद्र मोदी ने 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत मतुआ लोगों के गढ़ से की थी। ठाकुर नगर में मोदी ने बोरो माँ का आशीर्वाद लिया था। बिना पानी देवी को मतुआ जाति के लोग बोरो माँ कहते हैं। बनगांव से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर इन्हीं बोरो माँ के पोते हैं। बंगाल की राजनीति में शुरुआत से ही सत्ता की एक चाबी मतुआ समाज के लोगों के पास रही है। ये अनुसूचित जाति में आते हैं और इन्हें नाम शूद्र भी कहा जाता है। ये माना जाता रहा है कि बंगाल का मतुआ जिधर जाता है सरकार उसी की ही बनती है। पिछले 10-11 सालों से बंगाल का मतुआ समाज ममता बनर्जी के साथ रहा है और उनकी सरकार बनवाता रहा है। 2010 में बोरो माँ ने ममता बनर्जी को बंगाल में मतुआ महासभा का संरक्षक बना दिया था। बदले में ममता ने उनके एक बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर को सांसद बनवाया, दूसरे बेटे को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। लेकिन अब बोरो माँ के परिवार के कई लोग बीजेपी के साथ हो गए हैं। बंगाल की 70 सीटों पर मतुआ जाति के लोगों का असर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 1,80,00,000 लोग अनुसूचित जाति के हैं। इनमें से आधे मतुआ समाज के हैं। देश के बंटवारे और बांग्लादेश बनने के बाद मतुआ बिरादरी के हजारों लोग बंगाल चले आए। इनका वोटर कार्ड भी बन गया, लेकिन आज भी ये पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। नागरिकता कानून में बदलाव के बाद इनके बीच मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। ममता CAA को धोखा बताती हैं। इन्हीं मतुआ लोगों को जोड़ने के लिए मोदी बांग्लादेश जा रहे हैं। कोरोना के बाद से ही वे कभी देश से बाहर नहीं गए, लेकिन बंगाल की सत्ता के लिए वे बांग्लादेश जाने की तैयारी में हैं। राजनीति के खेल बड़े निराले हैं। इसमें जैसा दिखता है वैसा होता है ये जरूरी नहीं। अब इसी विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ी हुई एक घटना याद आती है मुझे। उस वक्त मैं खुद यहाँ था। ये बात मैं इसी साल के 23 जनवरी के कर रहा हूँ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और मोदी पीएम नरेंद्र मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दोनों एक साथ थे। और फिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ हो गई, वो गुस्से से लाल हो गई। उस वक्त ये कहा जा रहा था और आज भी कहा जाता है TMC की तरफ से कि ये ममता बनर्जी और उनके जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका ये मास्टर स्ट्रोक था कि ममता बनर्जी का गुस्सा दिखाना, बताना और जताना। लेकिन अब उसी जय श्री राम की आड़ में है बीजेपी। बीजेपी को लग रहा है कि यही उनका मास्टर स्ट्रोक है कि जय श्री राम के नारे हम लगाएंगे, कहेंगे, बताएंगे और फिर ममता को गुस्सा आएगा और वो उनके ट्रैप में फंसेंगी और इसी बहाने वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा बंगाल में, जो बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर के। तो बंगाल में मामला बड़ा दिलचस्प है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता में क्या हुआ था, जब मंच पर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों आमने सामने हैं? ये आपने देखा सुना होगा, लेकिन इसे एक बार और देखना बेहद जरूरी है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। 30% मुसलमान वोटरों वाले बंगाल में ममता बनर्जी के इस विरोध को उनका मुस्लिम कार्ड समझा जा सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ममता के खुलेआम ऐसा करने और कहने से बीजेपी को फायदा हो जाए। क्रिया की प्रतिक्रिया होना तो प्रकृति का नियम है। एक परिवार होता है जनता का परिवार, और उसने भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूं।
कभी ममता बनर्जी के ये राइट हैंड हुआ करते थे। दिनेश त्रिवेदी को उन्होंने केंद्र में रेल मंत्री तक बनवाया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ममता के यहाँ उनका दम घुट रहा था। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। बंगाल में सारा खेल माहौल बनाने और बिगाड़ने का। ममता बनर्जी और बीजेपी में होड़ मची है एक दूसरे का खेल बिगाड़ने की, ये दिखाने और बताने की कि किसमें कितना है दम। बीजेपी ने तो टीएमसी नेताओं को तोड़ने का कैंपेन चला रखा है, नेता अभिनेता से लेकर खिलाड़ी तक। सत्ता तक पहुंचने के लिए इस तरह के राजनीतिक खेल तो खेले जाते रहे हैं। बीजेपी कैंप का दावा है कि अगले कुछ दिनों में टीएमसी के कम से कम दर्जन भर विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, इनमें से कुछ मंत्री भी हो सकते हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि उन लोगों को अपना बनाया जाए, खास तौर से टीएमसी के, जिन लोगों को पहले ही टिकट ममता दे चुकी। अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ते हैं तो फिर एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि टीएमसी के लोग टिकट पाने के बावजूद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हार का डर है। और ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज होगा और फिर एक तरीके से खलबली मचेगी। इस तरह की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। ममता बनर्जी ने तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपने वादे और इरादे बता दिए। अब फैसला बीजेपी को करना है, शिवेंदु रणछोड़ बनेंगे या फिर ममता से टकराएंगे। शिवेंदु कभी ममता के सेनापति हुआ करते थे, क्या शिवेंदु बीजेपी के लिए ममता के घर का भेदी यानी विभीषण साबित होंगे? 7 से 27 मार्च तक बंगाल की तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले दौर के मतदान के बाद ही एक तरीके से चीजें साफ होने लगती हैं, ये ट्रेंड रहा है, कई चुनाव में ऐसा मैंने खुद देखा है। और अगर ऐसा हुआ 7 से 27 मार्च तक की कहानी के आधार पर, तो फिर एक तरीके से ये बीजेपी का स्वर्णिम काल होगा, वो स्वर्णिम काल जो अमित शाह चाहते हैं, जो मोदी का सपना है, जिसका जिक्र बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने भुवनेश्वर में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया था, जब यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी थी और तालियां बजने लगी वहां पंडाल में। तब अमित शाह ने कहा था, नहीं हमारी मंजिल ये नहीं, हमारा सपना तब पूरा होगा, हमारा स्वर्णिम काल तब आएगा जब बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। और वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, जिस राज्य में कुछ सालों पहले तक पार्टी का झंडा और डंडा ढोने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, वहाँ आज वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सहयोगी वेद पांडे के साथ पंकज झा, ABP News, कोलकाता।